अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टूडेंट्स आज हम जिस मैक्रो इकनॉमिक इशू पर बात करेंगे वो है अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो इट मीन्स द नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर अवेलेबल फॉर वर्क एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स कि वो लोग जो वर्किंग एज ग्रुप में हैं लेबर फोर्स का हिस्सा हैं ओके okay? और वो काम करना चाहते हैं एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क काम तलाश कर रहे हैं जो भी मार्केट का गोइंग वेज रेट है उस पर विलिंग है काम करने के लिए और काम ढूंढ रहे हैं बट दे आर अनएबल टू फाइंड जॉब सो दे आर कंसिडर एज अनएम्प्लॉयड सो अनएम्प्लॉमेंट इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट वेरी क्रिटिकल इंडिकेटर ओवरऑल इकॉनॉमी की परफॉर्मेंस इससे जज होती है जब अनइम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी तो इससे आपका आउटपुट लेवल कम हो जाएगा ओके सो ओवरऑल अगर आप इकॉनॉमी की परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हैं तो दिस दिस हेल्प अलॉट लेबर मार्केट के बारे में इससे हमें पता चलता है कि उसकी हेल्थ और उसकी क्या सूरत हाल है अनएम्प्लयमेंट एक ऐसा इशू है जिसके ना सिर्फ इकनॉमिक इम्प्लिकेशन्स हैं इसकी पॉलिटिकल, सोशल साइकोलॉजिकल इवन अनएम्प्लॉड पर्सन की मेंटल हेल्थ भी उससे अफेक्ट होती है तो इस ये एक मल्टी डायमेंशनल फिनिना है तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसका इसको स्टडी किया जाए और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए और मैक्रो इकनॉमिक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिबेट है कि अनएम्प्लॉमेंट और इन्फ्लेशन रेट जो है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है ठीक है फ़िलिप्स कर्व्स का आपने नाम सुना होगा कि देर इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट इसका मतलब ये है कि अगर आप अनइंप्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं तो एट द एक्सपेंस ऑफ हायर इन्फ्लेशन रेट आप ये कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा टाइप्स ऑफ अनइंप्लॉयमेंट आपने ये नाम सुने होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो है इससे पहले आपने कोर्सेज़ पढ़े फ्रिक्शनल अनइंप्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएप्लॉयमेंट फ्रिक्शनल से मुराद ये वो अनएप्लॉमेंट है जब लोग आ, एक जॉब को छोड़कर किसी दूसरी बेहतर जॉब की तलाश में जब ये ट्रांजिशनल आ, इस ट्रांज़िशन में होते हैं तो उस अरसे में जो टेम्प्रोरी अरसे में जो अनएम्प्लॉयड होते हैं दे आर कंसिडर्ड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कंसीडर्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ये कि लोगों के पास जो स्किल है वो उसे मैच नहीं कर रही जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है तो ये जो मिसमैच है स्किल का ये इसके नतीजे में जो लोग अनएम्प्लॉयड है ये कंसिडर किए जाते हैं स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी फेमस टर्म है कि जब बिज़नेस साइकिल की वजह से इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की वजह से जब एक्चुअली जब मार्केट में डिमांड की डेफिशेंसी की वजह से रोजगार के मौाक़े कम होते हैं और लोगों को जॉब नहीं मिलती तो इसको कहते हैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल भी बड़ी फेमिलियर से हैं कि कुछ इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर में और कुछ इंडस्ट्रियल वर्क ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सीज़न में वो इंडस्ट्रीज़ काम करते हैं तो उस सीज़न में लोगों को रोज़गार मिलता है जब वो सीज़न ख़त्म हो जाता है तो फिर वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इससे मुराद वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो इकॉनमी इवन अपने अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है उस वक़्त भी इकॉनोमी में किसी हद हाँ तक अनएम्प्लॉमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉमेंट यूजुअली फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉमेंट जो है वो हम उनके टोटल को नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉमेंट कहते हैं एक्चुअली जब सिकली कल ज़ीरो हो उस वक़्त जो अन्प्लॉमेंट होगी उसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉमेंट कहते हैं काजेस के हैं अन्प्लॉमेंट की काजेस को आप डिमेंड साइड फैक्टर्स उसमें देख सकते हैं कि जब बिज़नेस साइकिल होगा फ्लक्चुएशन हैं मार्केट में डिमेंड कम होगी है उसकी वजह से अनएम्प्लॉमेंट हो जाएगी कंज्यूमर स्पेंडिंग किसी वजह से कम हो गई है उसको हम डिटेल में देखेंगे कि कंजम्पशन को किस तरह से वो डिटर्मन होती है तो वो अनए्लॉयमेंट को कॉज कर सकती है इसी तरह कुछ सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं कि ओवरऑल इकॉनमी में सप्लाई साइड की क्या सूरत हाल है वो भी समटाइम्स अनएम्प्लॉमेंट पैदा करती है और थर्ड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उससे भी अनएम्प्लॉमेंट अफेक्ट होती है गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर कट करती है तो उससे अनएम्प्लॉमेंट पैदा होती है या वो वेल थॉट एक्सपेंडिचर नहीं करती तो उससे भी इम्प्लॉमेंट पर असर पड़ता है पॉलिसीज़ के हैं मोनिट्री पॉलिसी यूज़ की जाती है अनएम्प्लॉमेंट को कंट्रोल करने के लिए उसमें सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट को के ज़रिए से इकॉनमी में डिमांड को कंट्रोल करता है डिमांड अगर बढ़ानी है तो इंटरेस्ट रेट को कम करके डिमांड को बढ़ाने की कोशिश की जाती है और उसके नतीजे में फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं और अनएम्प्लमेंट कम हो जाती है और इसी तरह फिजिकल पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट अपने बजट के ज़रिए से अपने समटाइम्स बजट को डेफिसिट बना के एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है और उससे अनएम्प्लॉमेंट को जनरेट कम करती है और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं लेबर मार्केट पॉलिसीज़ बहुत इम्पॉटेंट है कि गवर्नमेंट अगर लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा हो तो डेफ़िनेटली इससे अनएम्प्लमेंट पर असर पड़ता है ठीक है अब आप अक्सर सुनते होंगे कि लोग काम ढूंढते हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर उन्हें काम मिलेगा और दूसरी तरफ जिन लोगों ने जॉब देनी है उनको काम के और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें वर्कर नहीं मिलते तो लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके भी हम अनएलॉयमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं इसके अलावा गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए से वो अनएप्लॉमेंट को कंट्रोल करती है उसको सूरत हाल को बेहतर कर सकती है थैंक यू वेरी मच